ब्लैक मैजिक एक्चुअल में होता है मेरी एक क्लाइंट उन्होंने कहा मैम मेरा पैर वैर जल जाता है मेरे घर में ब्लैक मैजिक है शायद देख लो मैंने कहा ठीक है उनके घर में नींबू निकला कटा हुआ वो भी एकदम सड़ा हुआ दूसरा उन्होंने अपने घर में जब सर्च करना शुरू किया तो उनके घर में हुडोडॉल निकली उस हूडोडॉल को जब वो जला रही थी फिर दोबारा उनका पैर जला आज की डेट में देखो किसी का काम नहीं चल रहा तुम पे ब्लैक मैजिक है किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तुम पे ब्लैक मैजिक है नाइन्टी परसेंट टेरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर ये लोगों को बोल के पागल बना रहे हर इंसान का कोई अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट नंबर है वो कुछ सिग्निफाई करता है उसकी लाइफ में लास्ट नंबर नहीं फर्स्ट नंबर मतलब टोटल मूलांक और भाग्यांक सिग्निफाई करता है पित्रों के बारे में सबको पता है एनसेस्टर्स अभी एक क्लाइंट ने रीडिंग बुक की मैम मेरे सारे काम जो है ना वो एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं एक टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड होता है उससे पता चल जाता है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं वो कार्ड शफल करते करते अपने आप गिर गया तो ये और कॉन्फर्मेशन हो गई कि पितृदोष है क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी ना मेरे को कोई कोई दिख रहे थे इनके पित्र मेरे सामने खड़े हो गए और वो जो पित्र थे ना उनका मुंह ऐसे था मैंने सिर्फ एक लाइन बोली मैंने कहा आप कौन हो सामने आओ एकदम से चीज़ सामने आई कहते मैं तो इसके साथ 16 साल से हूँ आप 16 साल से हो अब आप परेशान ही हो रहे रखे अब मैं भी दुखी हो गया इनका मोश दिला दूँ आपको मैंने कहा आपका नाम गुड्डू तो नहीं है जो डरावनी हंसी होती है ना <laughs> बहुत चालू है बहुत शक्ति दे रखी है तुझे तो सब पता लग गया वेलकम टू सुपर टॉक्स आज के गेस्ट है प्रियंका शर्मा तो हॉरर स्टोरीज आप सबको पसंद है ब्लैक मैजिक वशीकरण बट आज की जो कहानी होगी उसमें माँ काली का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट को वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच जी वेलकम टू द शो कैसा Thank लग रहा है आपको मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच आपने भी शुरू करने से पहले एक मंत्र पढ़ा था अच्छा ओम क्रीम काली का है नमा। इसके पीछे बताओ काम मतलब? है ओम क्रीम काली वो देखो वो ना एक प्रोटेक्शन मंत्र है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ सबको सिखाती हूँ कि जब भी आपको एक अच्छा काम करने जाओ आप जिनको भी मानते हो इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्योंकि मैं काली माता को मानती हूँ तो वो मैं मंत्रा पढ़ती हूँ और लोग जो हैं वो जिसको भी मानते हैं वो उनका मंत्र पढ़ सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो वो उनका मूल मंत्र पढ़ते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले और लोग जो हनुमान जी को मानते हैं वो हनुमान जी का मंत्र करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप जिन डाइटी को मानते हो आप उनका मंत्र कर रहे हो तो आपका शुरुआत काम का अच्छा होता तो और है तो काली अगर किसी कुछ अच्छा करना है तो महाकाली का ही आपने जो मंत्र पढ़ा है क्रीम क्रीम कुछ कालिकाए 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 तो yes. भी शुरू अच्छा करना है तो इस तो इससे करें आज का हम करते हैं आई तो तो स्वयं <laughs> है अगर आप देखोगे ना अभी इस पॉडकास्ट रिलीज के बाद मेरे स्टूडेंट्स इसके अंदर ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि कितना सच है कितना है रियली really. उनको जैसे ही ये अगर शेयर करूंगी मैं तो वो आपको बता देंगे नीचे कमेंट में डाल के कि कितना सच कितना झूठ है अभी मेरे साथ नया सिनेरियो हो रहे हैं ठीक है जिनके लिए मैं भी शौक डूँ कि कैसे क्योंकि मैं कभी उसके लिए कभी प्रैक्टिस नहीं की मैंने कभी उसके लिए आ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया बट स्टिल हो रहा है और हो क्या रहा है आपने मेरे से सात टैरो रीडिंग बुक की आपने कहा कि मेरी मम्मा की हेल्थ जो है वो ख़राब रहती है मैम प्लीज़ दिखा दो एंड दैट ऑल इज़ हैपनिंग ऑन दी वीडियो कॉल उसका रीज़न ये है वीडियो कॉल पे सामने वाला बहुत अच्छे से खुल के आता है ठीक है इनकी मम्मा को मैं उनकी रीडिंग के लिए उनकी डिटेल्स मांग रही हूँ नेम मांग रही हूँ डेट ऑफ बर्थ मांग रही हूँ और मैंने कहा क्योंकि जिन डाइटी को मैं मानती हूँ उनको मैं आराधना करती हूँ कि जो ये रीडिंग ले रहे हैं और जो चीज़ ये पूछ रहे हैं एकदम करेक्ट एक्यूरेट इनको मिले तो मैं अब इनकी रीडिंग कर रही हूँ शुरुआत ही करी है मैंने और इनको ना घबराहट होने लग गई बेचैनी होने लग गई तो मैं समझी मैंने कहा कुछ गड़बड़ है पक्का गड़बड़ है इन्होंने हेल्थ के लिए किया है और थोड़ा सा मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि आपकी मम्मा को हेल्थ कितने टाइम से हेल्थ इश्यूज हैं उन्होंने कहा सोलह साल से मैंने कहा ओके okay. मैंने कहा आप अपनी मम्मा की तरफ जो है ना फोन लेके आओ सामने रख दो और साथ बैठ जाओ उन्होंने कहा ठीक है मैम उनकी मम्मा से मैंने पूछना शुरू किया मैंने कहा मैम आपको क्या हो रहा है कह रही घबराहट हो रही है मैंने कहा पेट में से कुछ गर्म गर्म फील हो रहा है कुछ स्टमक में कहती हैं हाँ क्योंकि जो हीलर होंगे ना जो रीडर होंगे एक्चुअल वो क्या करेंगे वो एनर्जीज को सेंस करना शुरू कर देंगे मेरे स्टमक में गरम गरम महसूस होने लग गया मैंने कहा मैम अब बताओ अब आगे आपको क्या हो रहा है कह रही पता नहीं कुछ सर घूम रहा है मैंने कहा ठीक है कह रही मेरा ना धीरे धीरे वो ना ऐसे ऐसे करने लग गए ठीक है मैंने, मैंने माँ जहाँ मैं बैठती हूँ ये मेरी टेबल है टेबल के ऊपर मैंने पूरा दरबार लगा रखा है माँ काली का बालाजी महाराज का और तारा माता का जितने भी मतलब ग्रीन तारा ताराम रेड तारा ताराम ब्लैक तारा तारामाँ जो भी हैं मेरे सारे मैंने उनका दरबार लगा रखा है मैंने उनको हाथ जोड़ा मैंने कहा माता रानी ध्यान देना क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन सबसे पहले है मैंने सिर्फ एक लाइन बोली मैंने कहा आप कौन हो सामने आओ सिर्फ मैंने इतना बोला एकदम से चीज उनकी बॉडी थी पोजेस्ट एकदम से चीज सामने आई कहते मैं तो इसके साथ सोलह साल से हूँ मैंने कहा सोलह साल से हो कौन हो आप कहते हैं इसकी देवरानी ने भेजा है मैंने नाम पूछा उनसे उन्होंने अपनी देवरानी का उनकी देवरानी का नाम बताया तो ये जो थी इस वक्त उसकी मम्मी बोली थी वो जो जो बॉडी में उनकी चीज थी वो बाहर जो भूत थी, प्रेत थी, थी, वो भारागी? वो सामने आ गई थी एग्जैक्टली exactly मैं वही कह रही हूँ ना कि जैसे इनके ऊपर परेशानी है हाँ. इनको आपको नहीं पता कि मेरी मम्मी की बॉडी पे कुछ आता है ठीक है या मेरी मम्मी की बॉडी के साथ कुछ है बॉडी पोजेस्ट है जिसे हम बेसिकली कहते हैं भूत प्रेत ठीक है कि इनके साथ कुछ है कुछ तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया जिस तरीके से उनकी सेंसेशन और इनको फीलिंग होने लग गई मेरे को आइडिया लग गया कि ये ऐसा कुछ है

आपकी बॉडी में आएगी आवाज भारी हो और हाँ आवाज चेंज हो जाएगी चीजें हरकतें अलग हो जाएंगी ठीक है बॉडी वही रहेगी बात अलग तरीके अलग हाँ तो अभी इन्होंने बोला मैं इसके साथ सोलह साल से हूँ ना मैं इसे सोने देता ना मैं परेशान करता हूँ इसे ना मैं इसे खाने देता मैं इसकी बातों का कोई बिलीव नहीं कर पाता मैंने इसकी ये हालत कर दिया है मैंने कहा ओके फिर मैंने पूछा आप खुद से लगे हो क्योंकि कुछ कई बार होता है या तो चीज आपके खुद से लग जाती है, है। या फिर आपके ऊपर भेजी जाती वशीकरण वशीकरण से हाँ, वशी ब्लैक मैजिक अच्छा ठीक है मैंने पूछा आप खुद से लगे हो या आपको भेजा गया है कहते हैं इसकी देवरानी ने भेजा है मुझे मैंने कहा ओके क्योंकि मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है मैंने पूछा देवरानी का नाम बताओ मैं ऑफ मतलब कैमरे पे नहीं बताऊंगी उन्होंने देवरानी का नाम पूछा बताया मैंने उस बच्ची से कंफर्म किया क्या कि आपकी चाची का यही नाम है कहती है हाँ जी मैम यही नाम है मैंने कहा ओके फिर मैंने कहा कि आप कितने टाइम से हो कहते हैं मैं पिछले सोलह साल से हूँ मैंने कहा आप मेरे सामने क्यों आए ठीक है आपको तो मैंने बुलाया नहीं आप क्यों आए कहते हैं कि बस आ गया मैं अब बता क्या करना है मैंने कहा ठीक है पहले अपना नाम बताओ आप सोलह साल से हो अब आप परेशान नहीं हो रहे कह रहे अब मैं भी दुखी हो गया इनका मोक्ष दिला दूँ आपको है ना मैं मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ एक माध्यम बनी हूँ आपको मैं एक तरीका बताऊंगी इनको करने के लिए आपको मोक्ष मिल जाएगा आप ये जन्म और मरण के बीच में जो अटके हुए आपको एक राह मिल जाएगी कहते हैं हाँ आप दिला दे वैसे ना ये बहुत लोगों के पास गई है इसको सबने पागल बनाया पैसा लिटा है तू अच्छी लग रही है तू मुझे भेज दे कहाँ भेजेगी एंड मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझ रही थी उस चीज़ के लिए कि माता रानी बालाजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि मुझे एक मीडियम बनाया ठीक है उसके बाद ना वचन लिए मैंने उनसे कि आप वचन भरो कि आप जाओगे क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा वचन भर के जाती हैं ऐसे नहीं जाएंगी मैंने उनसे बोला आप वचन भर के जाओ जाओगे नाम बताओ अपना आप आपके नाम से वचन दिलवाओगे उन्हें ना अपना नाम नहीं बताया बहुत देर हो गई मैं पूछ रहा हूँ अपना नाम तो बताओ अगर आपको चाहिए आप मुझे बताओ आपको माँ काली के दरबार में जाना है या बालाजी महाराज के दरबार में कि तू जो मर्जी भेज दे मैं चला जाऊंगा मैंने कहा तो नाम बताओ नाम नहीं बताया बहुत देर हो गई मैंने कहा ठीक है आप मत बताओ नाम मैंने माता रानी के हाथ जोड़े मेरे को ना तुरंत सुनाई दिया कान में गुड्डू ठीक है गुड्डू 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 मैंने मैंने कहा कहा ओके आपका नाम गुड्डू तो नहीं है जो डरावनी हंसी होती है ना <laughs> बहुत चालू है बहुत शक्ति दे रखी है तुझे तो सब पता लग गया तुरंत उसने ये बोला मैंने कहा अच्छा बाब वचन भरो गुड्डू नाम है उनसे वचन भरवाए उनको उपाय बताया बालाजी महाराज का क्योंकि मुझे लगा इनको बालाजी महाराज की शरण में जाना चाहिए बालाजी महाराज के देखो वैसे तो सबके लिए स्पेसिफिक नहीं है सबका अलग अलग होता है नारियल का उपाय बताया नारियल लाल कपड़ा ग्यारह रुपए सिर्फ उसको करने का तरीका सबका अलग अलग होता है तो इन जर्नल में वो नहीं बता सकती लेकिन हाँ सिंपल और कुछ नहीं कि लोग कहते हैं कि ये सामान लाना पड़ेगा वो सामान लाना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा यहाँ तक कि लोग ऐसे भी आते हैं कि रीडिंग करवाएंगे आपकी अलग ठीक है और आपकी जो अगर ऐसी कोई चीज निकल भी जाती है इनकेस तो उसके लिए अलग से पैसे लेंगे नहीं मेरा वो कर्म नहीं है आप जिस कंसर्न के लिए आए थे अगर इस कंसर्न पे ही आपका होता है मैं कुछ अलग से चार्ज नहीं करती इसी में आप करवा लीजिए उनको उपाय बताया पैंतालीस दिन का परहेज बताया फोर्टी फाइव डेज का अब वो कर रहे हैं नाउ शी इज वेरी हैप्पी कि हाँ मैम बहुत अच्छा लग रहा है अब तो हाँ। एक हल्का हो जाता है मन तो ये प्रोसेस होता है और जब वो

मोस्टली जितने भी निकले हैं वो हाथ को ऐसे करके झटक के जाएंगे कि अब हम जा रहे हैं हाथ पैर झटक के और फिर निकलते हैं कि हम जा रहे हैं sure. लेकिन मैं पहले उनसे वचन बदवा वो करवाती हूँ कि वचन दे के जाओ कि अब आप जा रहे हो अब आप इनको परेशान नहीं करोगे अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उन्होंने क्या बोला वचन में वचन हम वो ऑन कैमरा अच्छा, नहीं बता सकती हूँ प्रॉपर तरीका वचन से जो मुझे गाइडेंस आई जबकि मेरे को सिखाया भी नहीं किसी ने वचन वचनबद्ध करवाना जो गाइडेंस आई जैसे जैसे बोला उन्होंने बोला और

किसी का काम नहीं चल रहा तुम पे ब्लैक मैजिक है किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तुम पे ब्लैक मैजिक है नाइन्टी परसेंट कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर ये लोगों को बोल के पागल बना रहे हैं नाइन्टी परसेंट मेरे पास लोग आते हैं होगा तो मैं हाँ करूँगी नहीं होगा तो मैं साफ मना कर दूंगी भले आप मेरे पास पलट के आओ या मताओ मुझे नहीं फर्क पड़ता उसका रीज़न यह है कि मैं अपने कर्म नहीं खराब कर सकती हूँ मैं झूठ बोल के आपसे पैसा लूँ गलत करूँ आपके भावनाओं के साथ खेलूँ उसका कर्म मुझे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा मैं फैमिली वाली पर्सन हूँ मेरी बच्ची है मेरे माँ बाप हैं मेरे हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड है है ना और इन लॉज हैं मेरे पेरेंट्स हैं मैं उनकी सेहत के ऊपर असर नहीं डाल सकती इस चीज़ का होगा अगर ब्लैक मैजिक कार्ड्स में थ्रू टेरो कार्ड रीडिंग अगर आया तो मैं आगे प्रोसीड करूँगी नहीं होगा मैं मना कर दूँगी मैं रेमेडी बता दूंगी कि आपका इस वजह से नहीं हो सकता है आपके प्लैनेट्स उस टाइम पे ख़राब चल रहे हैं इसलिए आप वो फोकस आपकी प्रॉब्लम हो रही है हो सकता है ई वालाय हो रखा हो हो सकता है पितृदोष हो रखा हो तो कुछ भी हो सकता है अगर ब्लैक मैजिक आ रहा है या फिर पितृदोष आ रहा है या जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं माँ काली हीलिंग जर्नल भी की जाती हैं सिर्फ एक स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के लिए नहीं होती तो हीलिंग के अंदर क्या होता है जो भी सिनेरियो आया सामने वाले का ठीक है टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर मैं एक सिर्फ सैटरडे दो सैटरडे करती हूँ मंथ में क्योंकि मेरी बॉडी को भी एनर्जीज फील होती हैं अगर आपने अभी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है आपके हाथ में दर्द होगा ना तो आप मुझे बताओगे भी ना तो मैं तुरंत बता दूंगी कि आपके हा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है कि आपके हाथ में दर्द है अच्छा वो कनेक्शन बना वो कनेक्शन वो, वो एनर्जीज इतनी फ्लो करने लगती हैं ठीक है इतना और जो है वो पॉजिटिविटी लेना शुरू कर देता है तो अब माँ हीलिंग के लिए मैं पहले कार्ड रीडिंग किया उसके अंदर अगर आया कि हीलिंग करनी है तो ही मैं करूंगी अगर हीलिंग के लिए भी ना आ गया ना तो मैं हीलिंग भी नहीं करूंगी मैं साफ मना कर दूंगी कि हीलिंग की जरूरत नहीं काली है। का क्या मतलब है हाँ मैं वही बता, बता रही हूँ कि आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है आप मत हाँ। करवाओ ठीक है अब क्योंकि मेरी डाइटी जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो मैं माँ काली की करती हूँ बालाजी महाराज की करती हूँ तो मैं माँ काली हीलिंग के अंदर माँ काली की एनर्जी सेंड करती हूँ कैसे हीलिंग के प्रोसेस से अब आपकी हीलिंग बुक हुई ठीक है फॉर एग्जाम्पल सैटरडे की आपकी हीलिंग बुक है उससे दो दिन पहले आपको वॉइस नोट जाएगा जिसके अंदर डिटेल भिजवाती हूँ मैं बोलती हूँ आप अपना नाम भेजो डेट ऑफ बर्थ भेजो और अपना कंसर्न आप कंसर्न जो जिस कारण जिस रीजन से आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो उसमें सिर्फ आप एक वर्ड में लिख के भेजो मुझे डिटेल में मत दो okay. ठीक है उसका रीजन बताती हूँ क्यों मैं बोलती हूँ कि एक वर्ड में एक तो मैं लिख के माता रानी के आगे लग, रखती हूँ इट्स काइंड ऑफ अर्जी मैं आपके नाम की अर्जी लगा रही हूँ माता रानी के आगे ठीक है मैं उनके सामने रखती हूँ आपके नाम से आपकी कैंडल या दिया जो मेरे को उस टाइम पे आता है वो आपके नाम से लगेगा स्पेशली मंत्रा चैंटिंग होगी आपकी करंट फोटो जो आप भेजोगे ना मुझे विदाउट मेकअप विदाउट फिल्टर उसमें आपका पूरा और पता लगेगा अब उस और पे आपके जितने भी चक्रा इंटरनल जहां जहां डिस्टर्बेंस है उन चक्रास पे एनर्जीज भेज के वो चक्रास को क्लींस करती हूँ hmm. जैसे जैसे चक्रा क्लिन होंगे ना वैसे वैसे आपको पता लगेगा यहाँ तक कि क्लाइंट्स ने ये तक बताया है एग्जैक्ट टाइम कि मैम आपने इस टाइम पे हमारी हीलिंग की है क्या हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी या हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी या अनइजीनेस हो रहा था एक क्लाइंट की अभी पीछे जो हीलिंग हुई थी सेशन उसके अंदर मेरे को उनकी बॉडी से ब्लैक कुछ निकलता हुआ दिख रहा मैंने उनको बोला कि मेरे को आपके रूट चक्रा से ब्लैक कुछ निकलता हुआ दिख रहा है तो आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ध्यान रखना कहती है ठीक है फीडबैक शेयर किया फीडबैक शेयर करने के बाद जब वो वॉशरूम गई कहती है मैम जब मैं बाथरूम गई मेरा बाथरूम लिटरली ब्लैक आया है ब्लैक आया है इतनी तक एनर्जीज जो है आपकी क्लींस कर देती है आपके चक्रास को। तो बेसिकली कहने हैं ये कि आप ब्लेस्ड माँ काली से और क्या? आपको उनकी मतलब एक सिद्धि कहना ठीक होगा मैं सिद्धि नहीं कहूंगी लेकिन मैं ये कहूंगी कि आशीर्वाद आशीर्वाद एनर्जी बहुत कि हाई है। आपको, आपका कनेक्शन माँ काली हाँ, से बहुत हाई है।, है।, है और आपको जवाब कहीं ना कहीं माँ काली के थ्रू मिल जाते हैं और आप वो चीज आगे तो आप बागेश्वर धाम जैसे बन गए ना अब तो नहीं कह सकते हैं। उनको भी ऐसे होता है कि उनको हनुमान हाँ। जी कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हनुमान हाँ। जी जवाब देते हैं लिख देते हैं तो, हुँ। तो लेकिन आपका लेकिन तो और ऊपर हो गया कि आप तो बिना उसके रूट चक्र हाँ। भी बता देते हो हाँ। तो लेकिन तो जो और होता है देख के पता लग जाता है इंसान और बताओ कैसा अपना हाथ दो लाइव नाइस इनका रूट चक्र डिस्टर्ब रहता है स्टमक है डिस्टर्ब ठीक है आधे से अब ऐसे तो वो वेट देख नो 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 अच्छा मेरा वेट ज्यादा है मेरा तो नहीं है रूट चक्रा डिस्टर्ब बोलो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी इनका डिस्टर्ब फैमिली हिस्ट्री इनकी इनके डिसीजन पावर्स जो होंगे मोस्टली इनके घर में फीमेल्स लेती होंगे कह सकते हैं ठीक है और बताऊ बताओ और देखना अरे वाह ठीक है इंटरेस्टिंग है और और और, और। वैसे कोशिश मारी ये होती है कि फीमेल्स के बिना हम कोई डिसीजन लेना आ, अच्छी बात है तो वैसे आ, अच्छी बात है हाँ, फीमेल्स को रखना गुण। वेरी गुड लेकिन वो सोलर प्रैक्सिस इनके घर के अंदर हिस्ट्री होगी डायबिटीज की भी है पुराने टाइम में है होगी दा, पक्का होगी दादी की टाइम शिवरिंग की किसको दिक्कत है घर में किस, किस, शिवरिंग, शिवरिंग की शिवरिंग नहीं ऐसे तो किसी हाथ किसके कापते हैं ऐसे तो किसी की मैंने नोटिस नहीं करा देखना अब अब, अब, अब नोटिस करना अब, अब नोटिस करना आपके घर के अंदर हिस्ट्री है हाथ कापने की आपको टच कर रू ना ये देखो कैन यू फील दिस मेरा हाथ स्टे है ये नहीं कि कहीं मैंने मेरी एल्बो देखो स्टे है सो so बेसिकली आपने क्या किया मतलब थोड़ा प्रोसेस में जाना जा। क्या इनकी हुआ इनकी बॉडी की एनर्जीज ली है मैंने सिर्फ अच्छा आप एनर्जी से आप एनर्जी से पता लगा रही हूं मैं कि इनकी बॉडी पे किस किस चीज की परेशानी है एंड दैट इज आई एम ब्लेस्ड विद मैंने कहीं कुछ ऐस, मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन्होंने सीखा है वो गलत है या जिन्होंने नहीं सीखा वो गलत नहीं आपके है आपके ब्लेसिंग ब्लेसिंग समझ लो तो वो पता लग जाती हैं ठीक है ये सोचते बहुत ज्यादा है बहुत सोचते हैं इनके प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहता होगा यूजुअली

ठीक है अभी नहीं है ये आएगी ब्लड में आपके किसी ना किसी के हैं ठीक okay. है है और इसके लिए तो जब आएगी वो तब देख लीजिएगा अभी तो जैसे नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा मैंने क्या बताया सोलर प्लेक्सिस चक्रा का डायबिटीज़ की हिस्ट्री अगर फैमिली में बहुत पीछे है परफेक्टली फाइन अगर पीछे से नहीं है रीसेंट फोर्थ जनरेशन से पहले मतलब नहीं कहूँगी मैं लेकिन फो सेकेंड जनरेशन से भी अगर है तो उस पर ध्यान देना डायबिटीज़ के लिए तो अभी एक क्लाइंट ने रीडिंग बुक की मैम मेरे सारे काम जो है ना वो एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं एंड मोमेंट पे आके अटक रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है चेक करोगे आप मैंने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा ब्लैक मैजिक के लिए आता है मेरे पास अच्छा हाँ मैं सही बता रही हूँ कि मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है पक्का मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही मेरा ये नहीं हो रहा मेरा वो नहीं हो रहा और हंड्रेड में से अगर सौ लोगों ने रीडिंग बुक की है शायद एक पे निकलेगा कई बार एक पे भी नहीं निकलेगा सौ में से इतना लोगों को आजकल मार्केटिंग करके पागल बना रखा है और वहम हो रखा है ठीक है मैंने कहा ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि भाई अब आपने पैसे दिया आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप कह रहे हो वो मैं करके दूंगी मेरे लिए मेरे क्लाइंट ही सर्वोप्रिय हैं ठीक है तो अभी चेक किया दोष दिख रहा है उनके घर में एक टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड होता है उससे पता चल जाता है कि आपके घर में दोष है या नहीं वो कार्ड शफल करते करते अपने आप गिर गया तो ये और कॉन्फर्मेशन हो गई कि पितृदोष है फीलिंग तो आ ही रही थी सेंस तो हो ही रहा था मुझे उनसे बात करते करते कि इनके क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी ना मेरे को कोई कोई दिख रहे थे ठीक है अब जो ये दिख रहे थे तो मुझे पता लग रहा था कि ये कोई सामने आ रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है आपके एंसेस्टर मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे जब मैं रीडिंग करूंगी और वो स्पेसिफिकली अपनी चीज बताएंगे अपनी प्रेजेंस बताएंगे और वो कॉन्फर्मेशन मैं लूंगी जैसे कल की ही एक किसी की रीडिंग की उसमें एक लेडी ब्लू कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई थी जिसपे ना सिल्वर कलर की ऐसे स्ट्राइप्स थे मैंने कहा ये मुझे लेडी दिख रही है ये कौन है ब्लू कलर की साड़ी में सिल्वर स्ट्राइप्स की कौन है कि ये मेरी नानी है उनकी फोटो है मेरे पास जिन्होंने ये कलर की साड़ी पहन रखी और ये स्ट्राइप्स हैं कहा ओके तो वो जो कॉन्फर्मेशन देंगे ना आपके एन वो आपको क्लियर वो चीज़ बताएंगे कि क्या है प्रेजेंस ताकि आप उनसे कंफर्म कर सको कि एक्चुअल में आप सही जा रहे हो या नहीं कि आप कोई और तो नहीं देख रहे आप कोई गलत तो नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो सही या गलत तो अब इनके पित्र मेरे सामने खड़े हो गए और वो जो पित्र थे ना उनका मुंह ऐसे था एक साइड ही देख रहे थे वो अब मैंने कहा कि आपके घर में ये जो मेल हैं जिनका मुंह ऐसे है ये कौन है कहते हैं मैम क्यों क्या हुआ मैंने कहा मैं टैरो तो कर रूँ लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये कौन है कहते हैं ये हमारे बड़े दादा थे उनको नेक में प्रॉब्लम थी उनका सर ऐसे रहता था मैंने कहा ओके फिर देखा सारी चीजें उनके दादाजी उनके ऊपर आ गए तुरंत उनसे पूछा आप कौन हैं उनको नमन किया उनको भोग दिया उनके पित्र बांधे हुए थे एक्चुअली तो उनके कोई भी घर के काम जो अच्छे भी होने थे जो वो पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हो आप अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट दे रहे हो हंड्रेड की जगह बट स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उन सिनेरियो में आपको ऑब्वियसली डाउट होगा तब देखा क्योंकि वो थे उत्तराखंड से वहाँ पे पितरों का दरबार लगता है बाकायदा उत्तराखंड में कहां पे अः अलग अलग जगह लगते हैं जैसे चमोली हो गया ये वो बहुत सारी जगह हैं हिमाचल उत्तराखंड में ये फेमस है पित्रों के दरबार तो वहाँ पे दरबार लगते थे तो वहां पे पित्र बंधे उनके ठीक है पता चला उन्होंने खुद आके बताया कि पित्र बंधे हुए हैं ठीक है इनको ठीक करना है उनको चीनी का क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि पित्र जो है ये बंधे हुए हैं इसका क्या मतलब होता पित्र ऐसे होते हैं जैसे हम मैंने आप अच्छा आपके एनसेस्टर्स हैं ठीक है वो आपका अच्छा कर रहे हैं हमेशा हमेशा इन सिस्टर आपके भले के लिए होते हैं वो गलत के लिए कभी नहीं होते ठीक है अब इनको जलाना है आपसे इन्होंने क्या किया आपके पितरों को पकड़ के किसी तांत्रिक वांतरिक से पितरों को पकड़ के आपके पितर बंधवा दिए मतलब उनको नेगेटिव में करवा दिया कन्वर्ट पॉजिटिव की जगह तो अब जब नेगेटिव में करवाया तो जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए वो नेगेटिव में मिलने लग गए ओके तो ये ऐसे पितृ बंधवा देते हैं बहुत लोग करते हैं पितृ बंधवाने वाले काम तो उनके पित्र बंधे हुए थे उनके पितरों की आट जिसे हम कहते हैं पितृ खोलना वो खोली उनकी आटे जो होती हैं जो गांठे लगती हैं वो खोली तुरंत ऑन द स्पॉट जो माता रानी ने आदेश दिया वो खोली उनको पितरों को फिर क्योंकि जैसी खोली तो उनको भोग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने उनको इनवाइट किया खोल के है ना मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया मैंने कहा किचन में से जाके चीनी और पानी ले आओ उनको चीनी का भोग दिया पानी का भोग दिया वो जा गए जब ऐसे ऐसे करके गए कि मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा फिर अभी दे आर हैप्पी कि हाँ भाई अब बहुत अच्छा लग रहा है हमारे पित्र खुल गए तो इस तरीके से पित्रों के भी केस आते हैं और भी केसेस आते हैं ब्लैक मैजिक के भी आते हैं बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं ये ब्लैक मैजिक असली होता है कितना काम करता है किस हद तक ब्लैक मैजिक असली होता है

मेरी एक क्लाइंट उन्होंने कहा मैम मेरा पैर वायर जल जाता है मेरे घर में ब्लैक मैजिक है शायद देख लो मैंने कहा ठीक है जल जाता है हाँ मेरा पैर वायर जल जाता है परेशानी हो जाती है ऐसा ऐसा है ठीक है आप देख लो मैंने कहा ठीक है उनके घर में नींबू निकला कटा हुआ वो भी एकदम सड़ा हुआ पहला डाउट ये क्लियर कि हाँ भाई है दूसरा उन्होंने अपने घर में जब सर्च करना शुरू किया तो उनके घर में हुडो डॉल निकले मैं फोटो आपको दिखाऊंगी घर के अंदर निकल गई घर के अंदर हुडो डॉल मिल गई ठीक है उस उसडोडाल को जब वो जला रही थी फिर दोबारा उनका पैर जला ऐसे सिनेरियो होते हैं तो ब्लैक मैजिक एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है तो इसका इसका वो क्या है उपाय उपाय देखो अलग अलग केसेस के अलग अलग उपाय होते हैं इंटेंसिटी चेक करनी पड़ती है कितना हाई लेवल पे कर रखा है कितना कम है अगर सिर्फ कर्स कर रखा है ब्लैक मैजिक से कर्स भी करते हैं लोग जैसे कोक बंदिश कर देते हैं है ना कि आ, लोगों को प, बे बेबीज ही नहीं होने दे रहे हैं मेरे पास ऐसे ऐसे सिनारीओ भी हैं नौ नौ साल तक माँ बाप बने ही नहीं हैं लोग नाइन ईयर्स हो गए ठीक है बट जब उनकी माँ काली हीलिंग की उनकी क्लिनजिंग की स्टमक की और उनकी बंदिशें खोली गई

लोगों को मैंने लिटरली क्लेम करते हुए देखा है मैं मैं कैंसर स्पेशलिस्ट आप मेरे पास आओ मैं आपका कैंसर ठीक कर दूंगा आई नेवर से कभी भी नहीं क्योंकि जो डॉक्टर है वो तो डॉक्टर का ही काम है ना उसमें तो आप कुछ नहीं आप जो भी कर रहे हो आप अपना काम करो अच्छा तो प्रियंका जी मैं जानना चाह रहा था जैसे ना लोग नंबर्स में बहुत बिलीव करते हैं तो क्या हर इंसान का कोई अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट नंबर है वो कुछ सिग्निफाई करता है उसकी लाइफ में लास्ट नंबर नहीं फर्स्ट नंबर मतलब टोटल मूलांक और भाग्यांक सिग्निफाई करता है बताओ ये गलत होता है इस तरीके से नहीं चेक किया जाता कैसे आपका है? आपका फर्स्ट नंबर आपका जो मूलांक है मूलांक मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे ट्वेंटी थ्री तीन और दो को मिला के पांच बनेगा अच्छा। तो मूलांक ये हो गया भाग्यांक पूरा डेट ऑफ बर्थ मिला के जैसे आपका हो गया तेईस पांच उन्नीस सौ चौरानवे है ना नाइनटीन नाइनटी फोर इसका टोटल मिला के जो नंबर बनेगा वो होगा हमारा भाग्यांक अच्छा। तो मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं जिसे हम ड्राइविंग और कंडक्टिंग नंबर भी बोलते हैं अगर इंग्लिश में बोलूँ और हिंदी में मूलांक और भाग्यांक ये आपके जो है बहुत काम करते हैं जो मूलांक होगा वो आपका करेक्टरिस्टिक्स बहुत प्रेजेंट करेगा जो भाग्यांक होगा वो आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ ले लेते हैं जैसे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड फोर ओके तो अब इसका तो बताओ क्या दो होगा? और एक तीन चार पांच छे सात आठ नौ ठीक है नाइन नंबर हो गया इसका सबसे पहली चीज

और फिर 2004 में हो गया तो 2 4 6 हो गया 6 3 3 9 हो गया तो टोटल तो हमने ऐड कर दिया सारा तो, तो ये अब, हमारा निकल गया भाग्यांक ये हो गया भाग्यांक हो गया है ना तो मूलांक जो होगा आपका वो 3 होगा हां होगा अच्छा सर 2 होगा सर डेट आपका डेट अगर जिस मंथ की डेट पे आप पैदा हुए वो आपका जो होगा वो मूलांक होगा जिसे हम अपना अब जैसे नंबर 1 है नंबर वन वाला एक तो उसको हर चीज को करने के लिए परफेक्शन नहीं कहूँगी मैं लेकिन ये कहूँगी कि उसको टॉप पे आना है ठीक है ऐसे बंदों का पॉजिटिव ये कि टॉप पे आएंगे नेगेटिव ये कि ईगोस्टिक बहुत होंगे ये आप टोटल का बता रहे हो नहीं मैं टोटल का नहीं बता रही हूँ मैं जैसे नंबर्स का बता रही हूँ वन टू थ्री फोर अच्छा तो अब डेट ऑफ बर्थ जज कर सकते हैं हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे हम सिर्फ यही ले लेते हैं तो नंबर दो वाला जो होगा होंगे ठीक है, पहली चीज़, जो ये हो उसके बहुत होंगे उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी इसकी इंट्यूटिव पावर जो होगी बहुत स्ट्रांग होगी फीमेल से इसका कनेक्शन बहुत अच्छा बनता होगा साथ ही साथ जो है ये ना इसके आसपास सराउंडिंग भी बहुत फीमेल्स की होगी अच्छा नंबर टू ठीक है अब जो टोटल आया नंबर नाइन आया जो आया मार्स का नंबर कौन सा कमांड वाला अगर इसका मार्स अच्छा होगा ठीक है तो ये क्या करेगा ये कमांड्स बहुत अच्छी देगा लोगों को ठीक है जैसे अगर ये, ये पर्सन किसी मिलिट्री फोर्स वगैरह में जाए तो ये बहुत अच्छा करेगा अच्छा तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक ये हमारा बहुत दोनों चीजें हाँ आपस में एक दूसरे को बहुत पावर देती है अच्छा हाँ जैसे अब सेवन नंबर किसी का हुआ या तो मूलांक या भाग्यांक हुआ ठीक है उसकी इंट्यूटिव पावर जो होगी वो स्ट्रॉग होगी वो जो बोलेगा बहुत हद तक ठीक हो जाएगा सबसे अच्छा नंबर कौन सा तो होता है सारे नंबर अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से लेकिन मेरा मानना है नंबर पांच क्योंकि नंबर पांच बैलेंसिंग नंबर होता है मरकरी का नंबर होता है कमा जबान कम्युनिकेशन का नंबर अगर किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है ना वो मिट्टी को भी ना सोना बना के बेच देगा मान है ना तो पांच नंबर जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है अच्छा nice. तो बैलेंसिंग होता है और पांच नंबर वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं अच्छा उनको हर काम बैलेंस के साथ हाँ। ये तो है या हाँ। थोड़ा मैं थोड़ा सा। नहीं मेरे को नहीं लगता गंदा है बस हाँ स्ट्रगल मैं कहूंगी थोड़े ज्यादा रहते हैं उसकी लाइफ में वो भी बेचारा नहीं है उसका भी मैं तरीका बताती हूँ जैसे आठ नंबर वाले हैं उनका नंबर किसका हो गया सैटर का शनि का नंबर हो गया शनि थोड़ा स्लो चलता है लेकिन जब शनि देता है ना इतना भरपूर देता है ना बहुत अच्छा शनि आठ नंबर वाले चाहे उनका मूल्यांक है चाहे भाग्यांक है आठ नंबर वाले अगर बहुत अच्छे कर्म करें ना तो शनि इतना देगा कि उनसे संभाला नहीं जाएगा और सबसे मजे की बात बताऊं ये साल आठ नंबर है टू जीरो टू फोर कैल्कुलेट करो टोटल कितना है नंबर इस साल लोगों के अपने लोगों को अपने कर्मों का फल मिलेगा देखना आप नोटिस करना जो लोग अभी तक ठीक ठाक कर रहे थे अच्छा कर रहे थे इस साल वो परेशान होने लग गए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई उनकी इट मीन उनके कर्म जो मेहनत कर रहे कर थे उनको मिलने भी लग गया। उनको फल मिलने लग गया जिन्होंने पिछले साल बहुत मेहनत की है अपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने कर्म बहुत अच्छे रखे हैं इस साल उनको फल बहुत अच्छे मिलेंगे

अपना ही मैं लेके चलता हूँ अच्छा अपना कर ओके ओके इंटरेस्टिंग थोड़ा और पता लग जाएगा हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल जेनुइन फील हो रहा है और मैं एज़ अ थर्ड आई व्यू देख रहा तो मुझे तो बड़ा आई एम वेरी एक्साइटेड सो गिव मी योर फुल नेम है ना तो मैं फुल नेम इज दिविज कवात्रा गिव मी योर क्वेश्चन क्या पूछना है एग्जैक्ट द क्वेश्चन इज Usually, generic questions होते हैं ठीक है. So, सबसे पहले फायर एलिमेंट बॉडी का बहुत एक्टिव है जो मैंने आपको टच करके भी बताया था एक्सप्लेन करूंगी रीजन के साथ कार्ड्स में ठीक है प्रेजेंट में आपका वोन का कार्ड आया जो कि फायर का एलिमेंट होता है इट मीन्स स्टमक डिस्टर्ब साथ ही साथ ब्लोटिंग एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको अच्छा। नहीं है तो अगले आठ हफ्ते ध्यान रखना पहली अच्छा। चीज ठीक है पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है वाटर एलिमेंट आया है नेक्स्ट कार्ड ठीक है पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है साथ ही साथ हडल्स के अंदर आपका नाइन ऑफ कप्स आया है बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटी ऐड करनी है जिनमें आप थोड़ा बहुत वॉक करो पहली चीज ये वेट गेन का कार्ड है आप देखो कितने आराम से वो बंदा बैठा हुआ है बैठने की वजह से उसका वेट गेन भी होगा okay. ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है हेल्थ को अगर ठीक करना है अपनी हेल्थ हेल्दी चाहते हो हर कोई चाहता है कि मैं हेल्दी रहूँ ठीक है लेकिन ये हर्डल में आया है इसको ठीक करने के लिए एक तो जो आपकी लाइफ में आती जाती रहती है प्रॉब्लम आपके साथ यूज ऐसा होता होगा कि आज जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई कल हल्का सा कफ हो गया ठीक है वो ठीक होगा तो शायद कोई दूसरी चीज भी हो सकती है इस तरीके से क्योंकि क्या है ऑफ एटोव आर्ये जा रही है आ आर्ये जा रही है छोटी बड़ी छोटी बड़ी चीजें आती जाती रहेगी इसको ठीक करने के लिए थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है आपका थ्रॉट चक्रा गला है। है थोड़ा। ये ये है, लेता है वो कम्युनिकेशन कप्स कप्सा लेता हूँ आयुर्वेदा ये देखो ना ये जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से टैरो सीखा है या जिन लोगों को मैं कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ उनको क्लियरली पता है ये कम्युनिकेशन थ्रॉड चक्रा का कार्ड है ये क्लियरली बताता है कि आपका थ्रॉड चक्रा डिस्टर्ब है इसको काम कर लो अदरवाइज ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है ठीक है हेल्थ okay. के लिए साथ ही साथ मेजर गाइडेंस आपकी पानी पीने के लिए है बॉटम ऑफ द डेक द देंग मैन विच मीन्स कि आपकी अभी हेल्थ को लेके एनर्जी स्टेग्नेंट है ना आप इधर हो पा रहे हो ना उधर हो पा रहे हो Move नहीं हो हो, पा रहे ठीक है? करना start करो, surrender position कर दो जब आप मेडिटेशन करो तब अपने आप को सरेंडर करो मेडिटेशन कौन सा करना है आपको जो आपके चक्रास पे काम करे या फिर जो आपके को control करे आपके माइंड को थोड़ा सूद करे कंट्रोल करना सिखाए ऐसा मेडिटेशन आप कर सकते हो ठीक थीके? है जी आपका हेल्थ का है <laughs> अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं है ले है, थोड़ा ले सकते समथिंग हाँ। अगर मैं करियर की बात करूं तो कौन सा करियर अभी जो करियर में हम लोग हैं करंटली क्योंकि कुछ देखिए हाँ। एक तो ये हमारा पॉडकास्टिंग है तो पता है कुछ दो क्या कर, that, दो एक दो बिजनेस ऐसे हैं जो किसी को नहीं पता आ, तो मुझे लगेगा कि अगर वो खुल जाए या उससे रिलेटेड कुछ मिल जाए तो डेफिनेटली जो मतलब आई आई बी बी present future adults and the guidance ठीक है आपके सामने खोले हैं बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस वाटर से रिलेटेड कभी कोई काम किया है नहीं अभी तो नहीं कर लेना बहुत चलेगा हाँ बट हो रहा है शुरू हो, हो रहा है हम्म इट्स ऑलमोस्ट देयर मतलब शुरू हो रहा है हो वो वाटर से रिलेटेड ही है बहुत चलेगा पहले चलो टच वुड आया दूसरी चीज क्या आपने कोई मार्केटिंग से रिलेटेड या लॉजिकल चीजों से रिलेटेड काम किया है या अभी चल रहा है एजुकेशन से रिलेटेड किया मा, उसमें मार्केटिंग कनेक्ट marketing होती, है। होती है क्योंकि ये है मैं रीजन देती हूँ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड जो कि है लॉजिकल लेडी जो माई वे हाईवे वाली लेडी है मेरे तरीके से करो या नहीं करो एजुकेशन में क्या होता है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो जो आप पढ़ाओगे वही तरीका सही है दूसरे तरीके से करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा

ठीक है क्या ये बिजनेस आपने किसी फीमेल के नाम पे स्टार्ट किया है या कनेक्ट है कोई फीमेल नाम पे अगर ना, तो ना गॉडेस रानी महारानी ठीक है एक चीज करनी है कि इमीडिएट एकदम सारा पैसा मत लगाना थोड़ा होल्ड करके फिर लगाना पहले उसके लूप्स जानो कि क्या है क्या नहीं है और फिर बहुत अच्छे से कर पाओगे गाइडेंस के अंदर फोरो का कार्ड आया है विच मीन्स यहाँ पे गाइडेंस आपको एक चीज़ बता रही है कि फैमिली को ज़रूर टाइम देना अगर आप इतना बिजी हो गए अपने बिजनेस में अपने करियर में कि फैमिली को टाइम नहीं दिया तो फैमिली दूर हो जाएगी ठीक है बैलेंस बना के चलना फैमिली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैन यू सी ये दो पिक्चर के साथ कितने अच्छे से बैलेंस बनाया है तो ये आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नहीं, ये तो होना भी चाहिए हाँ नहीं देखो होना दैट इज वेरी श्योर लेकिन आपकी गाइडेंस के अंदर ही फैमिली का कार्ड है, है। ये, ये बात सच है, है। कि टाइम नहीं दिया जा रहा तो अब आप क्या मानते हो मतलब विद विद दिस दिस आई वेरी बहुत बहुत बारीकी भी टच किया आपने जो-जो पॉइंटर्स वो एक्चुअली हो रहे हैं तो आई एम वेरी वेरी अमेजिंग फॉर दिस सो कोई कार्ड कुछ हम अपनी ऑडियंस के लिए निकाल सकते हैं अगर जैसे हमारी जो ऑडियंस अभी ये वीडियो देख रही है mm -hmm. कुछ ऐसा हो सकता है कि जो देख रहा है उसके लिए वो कार्ड वैलिड हो जाए Something in general. मैं फिर तीन कार्ड ले लेती हूँ हाँ, जो देख रहे हैं, हाँ हैं, हैं। उनमें से उनको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा करके क्योंकि अभी सभी का नाम नहीं पता सबके तो ये जेनरिक होगा कुछ ये स्पेसिफिक नहीं परसेंट एक्यूरेसी नहीं कंपनी मैं इसमें क्योंकि विद द नेम विद द एनर्जी नहीं हो रहा है ठीक है तो ये आपके लिए खुल रहे हैं तीन एक चूज कर लेना देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है किस चीज़ ए बी सी उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे उसमें हम एक कार्ड निकालेंगे जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके लिए गाइडेंस क्या है तो हर उसके दो दो कार्ड निकलेंगे अभी ऑडियंस पहले ही सोच लो आपको ए चाहिए बी चाहिए या सी चाहिए अभी अभी सोचो, सोचो। इमीडिएट सोच लिया चेंज नहीं करना चेंज नहीं ये चेंज कर रहा है ये चेंज <laughs> <laughs> सोच लिया <laughs> अब आपका कार्ड खोलने वाला है इसमें आपको पता लगेगा बहुत कुछ देखना जरूर थैंक yes, यू ये खुद खुल गया देखो ये आपकी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं ओके हम्म स्टेग्नेंट एनर्जी में स्टेग्नेंट मतलब कि बहुत सारी सिचुएशंस में अटके हुए हैं फंसे हुए हैं हुए। ऑलराइट हुए। कोई बात नहीं हैंडमैन का, का कार्ड आया है ना इसलिए हम आपके साथ देखो अपने आप दो कार्ड आ गए जबकि मेरे को एक निकालना था इट मींस ए के लिए ये आने हैं कार्ड देखते हैं किसने ए खोला है किसने 20 चूस किया है और किसने सी किया है थैंक यू उधर तीन हो गए ना हां अच्छा क्योंकि अपने आप आए हैं ना अच्छा इसलिए खुद से आए हैं मतलब अच्छा। ये कार्ड आना चाह रहे हैं यूनिवर्स से गाइडेंस देना चाह रहे हैं इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती ये ये ए था। ये ए है। ओके। ए था है के लिए फाइनेंस फाइनेंस गाइडेंस गाइडेंस सबसे पहले एक चीज बता दू अगले सात दिन ए वाले अपने पैसे और अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखे ये रख के भूल सकते हैं कहीं इनका सामान खो सकता है या गिर सकता है ये चाबी घुमा देते हैं घर रोज ना देखो ये बिल्कुल मैं उसका रीजन बताती हूँ लॉजिक सेवन ऑफ स है वो चोरी तो करके भाग नहीं रहे hmm. इट मीन की इनके सामान की चोरी हो सकती है इनका सामान खो सकता है ना जो हॉस्टल में रहते हो ध्यान रखो तो ये तो इनके लिए गाइडेंस स्पेशली है। पैसे से रिलेटेड क्योंकि लिए जो ये चाह रहे हैं अपनी पूरी करना के लिए बैठो मत आराम से थोड़ी सी मेहनत करो क्योंकि आराम से बैठे हुए हैं इनके लिए भी आया था जब मैंने बोला था कि थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओ आराम से मत बैठो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एक्चुअली ये विश आपकी पूरी होगी डिवाइन एनर्जीज के थ्रू पूरी होगी ये सॉफ्ट आ गया हमारा हाथ देखो आप क्लाउड में से हाथ निकल रहा है कि अच्छा। डिवाइन आपको पावर दे रही है आपको एनर्जी दे रही है लेकिन आपको आराम से नहीं बैठना मेहनत करनी है थोड़ी सी मेहनत करो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो है होगी कर्म करना, करना, करना? करना शुरू करो ए? नौ महीने से साल भर के अंदर इन लोगों को मेजर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड टू फाइनेंस बी के लिए ओके इनका पैसा मोस्टली डोमिनेशन में जाता है डोमिनेशन मतलब प्रमोशन होना है करियर में ठीक है तू तीसरे बंदे ने आके भांजी मार दी मतलब तीसरे बंदे ने आके डोमिनेट कर दिया मैनेजर को उसने क्या किया पैसा उसकी प्रमोशन रोक दी प्रमोशन रुक गई पैसा रुक गया तो यहाँ पे इनके फाइनेंस के अंदर डोमिनेशन है कि फाइनेंस से रिलेटेड जब भी कोई इनकी अच्छी चीज होने वाली होगी पैसे से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ अच्छी होने वाली होगी कोई ना कोई हडल इनके लिए आएगा ही आएगा और ये हडल इनका खुद का बनाया हो कभी नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मेरा हडल क्या हो सकता है कि मैं अपना पर्स रख के भूल गई हूँ या फिर मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया नहीं इनका खर्चा दूसरे लोगों के ऊपर होगा इनके खर्चे करवाने वाले दूसरे लोग होंगे और ऑल ऑफ अ सडन अलग से खर्चे हो जाएंगे तो इनका डोमिनेशन के थ्रू खर्चे होते होंगे गाइडेंस क्या है एम्प्रर का कार्ड राजा का कार्ड है स्टेबिलिटी इनको लानी है अपने पैसे के अंदर इन लोगों को ना इनके लिए एक रेमेडी ही है तो वो मैं बता देती हूँ इन लोगों को क्या करना चाहिए जैसे हनुमान जी के मंदिर के अंदर ना कोशिश करें कि छोटी लड़कियों को ग्यारह लड़कियों को एक एक रुपया भी दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो ये इनके लिए गाइड तो हाँ। कार्ड भी दिखा देना और ये आपका गाइडेंस कि स्टेबिलिटी देखो कि पत्थर के उस पर बैठा हुआ स्टेबिलिटी आएगी लेकिन क्या होगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको रेमेडी करनी पड़ेगी ठीक है मैंने हनुमान जी की रेमेडी इसलिए दी क्योंकि ये पित्रों का भी कार्ड है ठीक है बता हाँ इनसेस्टर्स का कार्ड है इसलिए ठीक है अब हम लेते हैं हमारा सी वालों के लिए इन लोगों के लॉसेज हुए हैं बहुत लॉसेस हुए हैं सी वालों के इन लोगों का पैसा हमारा है, इन लोगों के पैसे की चोरी हुई है इन लोगों के लॉसेस रीजन देखो आगे hmm. तीन का लॉसेस में दिख रहे हैं गिर गए ah. बंदा कितना सैडी है ब्लैक कलर के मतलब hmm. पूरा ही ना खराब सिचुएशन hmm. में खड़ा okay. हुआ है वो यही देख रहा है कि अब क्या करूँ लेकिन अगर पीछे देखोगे तो पीछे उसके पास अभी भी दो कप है Hmm. तो अपॉर्चुनिटीज पैसा चीजें फाइनेंस आपके बेटर अभी भी हो सकते हैं आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब ये कार्ड मेरा रिवर्स में आया है okay. जो कि यूजली आता नहीं है इन लोगों ने जरूर देवी की कोई ना कोई बात बोल रखी है मतलब यूजली जैसे लोग जो देवी की बोल कबूल कर देते हैं ना इन लोगों ने वो बोल कबूल कर रखी है जैसे माता रानी मेरा ये हो जाएगा तो मैं आपके लिए वो करूंगा oh, okay. इनमें बहुत सारे सी पाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोल रखा और किया नहीं है ये तो बहुत गलत बात है ठीक है तो ये करना है अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप छोटी लड़कियों को कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिला दो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है उससे और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी तो जो आगे और लॉसेस अगर इनके सोने भी हैं तो वो होने से पहले बच जाएंगे ये गौड़े। गॉडेस का कार्ड है ठीक है तो इसलिए ये सी पाइल के अंदर आई है गाइडेंस तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ए बी या सी आपने क्या सेलेक्ट किया था और कितना सही है कितना गलत और जरूर काम करना इन चीजों पर और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था बहुत मजा जाते जाते एक सवाल छोटा सा है सुपर टॉक्स के लिए पूछता हूँ कि प्रियंका जी सुपर टॉक्स का क्या फ्यूचर है सुपर टॉक्स का फ्यूचर हम बताएंगे अगली बार मैं चाहता हूं मेरी मेरी है कि मैम एक ना पार्ट टू हम करें और ना कमेंट सेक्शन में जब लोग लिखेंगे ना उनके भी सवाल होंगे और हम इस सुपर टॉक्स के सवाल के साथ दोबारा से अगले एपिसोड में आपके साथ करते हैं और मुझे आज पर्सनली बहुत मजा आया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच